और एक जो कन्वेंशनल माइंडसेट था मेरा कॉलेज में टूटा जब मुझे इस बात का यकीन हुआ कि वो हमारे जैसे होते हैं। एंड यकीन जानिए कि वो जो एहसासात थे पाकिस्तान जाने के और वहाँ पे अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के, अच्छे लोगों से, इक्वली अच्छे लोगों से मिलने के, वो राइम रिपब्लिक की वजह से, उनकी जानिब से बगैर सरहदों को छूते हुए आज पूरे हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू मनीलाल असीम बादशाह। और आई बेसिकली इट वाज मेंशन दैट आई राइट थिएटर प्रोडक्शन एज वेल, सो आई बेसिकली वर्क ऑन ट्रेजेडी एंड रोमांस। आवाज में ही दर्द है, दिल में नहीं है। तो that's the genre of writing and I have coined a new word for that. I think about myself very much, and that's known as tragomance, so tragedy plus romance. So since I write my plays in tragomance, that's tragedy and romance, henceforth I write my poetry as well in the same genre. So what I'm going to be speaking and reciting and reading in front of you would be more or less a part of it. Shuruaat main ek sher se karna chahta hu aur aap sabka main khair muqaddam karta hu, istiqbal karunga sher se. Ye sher yu tha, iska misra aise tha ke यूं तो हर एक ने हमें बर्बाद करना चाहा, यूं तो हर एक ने हमें बर्बाद करना चाहा, जिनको मौका नहीं मिला वो दोस्त बन गए। वाह, एक ख्याल था जो किसी वजह से गजल में नाजिल हो, इंशाल्लाह आगे जाके वो कुछ यूं था कि ये शहर वाले शहर के ही रह जाएंगे, ये शहर वाले शहर के ही रह जाएंगे, पानी के मकान हैं लहरों में बह जाएंगे। बहुत ये शहर वाले शहर के ही रह जाएंगे, पानी के मकान हैं लहरों में बह जाएंगे, और तुम अपनी दौड़ें जारी रखना, तुम अपनी दौड़ें जारी रखना, हम पीछे रह गए रह जाएंगे। एक और ख्याल था जो कुछ इस तरह से था कि चंद अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, उससे पहले मैं उनके मायने बता देता हूं आपको। एक सरमाया कहते हैं पूंजी द एंटायर कंटेंट एंड द एंटायर जिस्ट ऑफ एनर्जी, पूंजी को। एंड मुलतवी कहते हैं किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, यानी एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेट समथिंग। सो कुछ ऐसा ख्याल था कि एक तुम्हारा प्यार ही तो जिंदगी का सरमाया था, एक तुम्हारा प्यार ही तो जिंदगी का सरमाया था, तमाम खुशियां मुलतवी करके बस तुम्हें पाया था, तमाम खुशियां मुलतवी करके बस तुम्हें पाया था। खैर तुमने दरवाजा नहीं खोला नहीं सही, खैर तुमने दरवाजा नहीं खोला नहीं सही, मैं आज भी आया हूं, मैं कल भी आया था, आज भी आया हूं, मैं कल भी आया था, और हुनरमंदों ने यह कहकर मुझे खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हुनरमंदों ने यह कहकर मुझे खारिज कर दिया, मैं आज भी जाया हूं, मैं कल भी आया था। और एक ख्याल और था कि मयसर अवेलेबिलिटी को कहते हैं, कोई चीज आप व्हेन यू स्टार्ट पजेसिंग समथिंग, व्हेन यू हैव इट, व्हेन यू हैव समथिंग अंडर योर कंट्रोल, दैट्स नोन एज मयसर इन उर्दू। तो कुछ ख्याल यूं था कि अब हुई मयसर तो क्या मयसर जमी हुई, असीम भाई, अब हुई मयसर तो क्या मयसर जमी हुई, अब तक तो हमने सहरा में फूल उगा लिए। बहुत खूब। दूसरा और थोड़ा डेवेस्टेटिंग शेर, अब हुई मयसर तो क्या मयसर जमी हुई, अब तक तो हमने सहरा में फूल उगा लिए, और मैं किराए के मकान में गजलें लिखता रहा, मैं किराए के मकान में गजलें लिखता रहा, दोस्तों ने इस दरमियान अपने घर बना लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। गजल जो किसी तरह पूरी की थी वो आप सबके सामने रखने की कोशिश उस तरह थी कि किधर हवा चल रही है किधर जा रहा हूं, किधर हवा चल रही है किधर जा रहा हूं, तमाम रिश्ते ऐसे हैं यूं ही निभा रहा हूं, तमाम रिश्ते ऐसे हैं यूं ही निभा रहा हूं, और मेरी खुदगर्जियों की जरा हदें तो देखिए, मेरी खुदगर्जियों की जरा हदें तो देखिए, दुनिया चल रही है और मैं मुस्कुरा रहा हूं। बहुत, दुनिया चल रही है और मैं मुस्कुरा रहा हूं, अरमान था कि तुम्हारे साथ कुछ देर और बैठूं, अरमान था कि तुम्हारे साथ कुछ देर और बैठूं, पर शाम हो चली है मैं घर जा रहा हूं, पर शाम हो चली। एक आखिरी एक रोमांटिक, अगर इजाजत दे दीजिए, थोड़ा टेक्नोलॉजिकली चैलेंज हूं मैं, आई एम 80s बॉर्न, तो ये इस तरीके से था, ये नज़्म है, दिस इज अगेन ट्रेजेडी एंड रोमांस अमलगेमेशन ऑफ इट, एंड दैट्स हाउ इट जस्ट गॉट जी ये था कि ओके जस्ट लाइक दिस यू या या मनीष भाई थोड़ा फोन अलग रखना। अच्छा ठीक है।
मैं बगैर माइक के सुना दूं कोई दिक्कत जी इसका उन्वान टाइटल है इस नज्म का पढ़ तुम और एक लखनऊ के इमेजिनरी मोहतरमा है उनको डेडिकेटेड है मैं यूपी से हूँ अलीगढ़ से तो जाहिर सी बात है बाबा सिंह से तो ये था कि जब कभी मेरा जिक्र उठाया जाएगा जब कभी मेरा जिक्र उठाया जाएगा देखना बेवजह तुम्हें भी बुलाया जाएगा देखना बेवजह तुम्हें भी बुलाया जाएगा लोग जुल्मी हैं तरह तरह से बात करेंगे लोग जुल्मी हैं तरह तरह से बात करेंगे हंसी मजाक में तुमसे भी दरियाफ्त करेंगे हंसी मजाक में तुमसे भी दरियाफ्त करेंगे पूछेंगे तुम्हारे चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है पूछेंगे तुम्हारे चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है हंस के कह देना कोई बात ही नहीं है क्या बात है हंस के कह देना कोई बात ही नहीं है कुछ लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं खोई हो कुछ लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं खोई हो बच के कह देना कल रात ठीक से कहां सोई हो बच के कह देना कल रात ठीक से कहां सोई हो कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मैं होता तो अच्छा होता कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मैं होता तो अच्छा होता तुम बस फर्ज भर कर लेना कि काश ऐसा तुम बस फर्ज भर कर लेना कि काश ऐसा होता कुछ इशारे करेंगे डबडबाई आंखों की तरफ कुछ इशारे करेंगे डबडबाई आंखों की तरफ देर भर देखेंगे तेरी चोट खाई यादों की तरफ देर भर देखेंगे तेरी चोट खाई यादों की तरफ फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो तुमसे दोस्तियां बढ़ाएंगे फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो तुमसे दोस्तियां बढ़ाएंगे अपने गुनाहों को मेरी कमियों में छिपाएंगे अपने गुनाहों को मेरी कमियों में छिपाएंगे कई माहौल बनाएंगे बीते हुए सालों का माहौल मजाक को कहते हैं कई माहौल बनाएंगे बीते हुए सालों का तफसील मांगेंगे जाती से सवालों का तफसील मांगेंगे जाती से सवालों का पर तुम कुछ भी कहने से पहले उन वादों को नजरअंदाज न करना जो तुम्हारे लखनऊ के चारबाग पर एक अहद शीशी के साथ हमने लिए थे और जिन्हें मैं आज भी अपनी दहली के चांदनी चौक की तंग गलियों और फेरीवालों की रहट से बचता बचाता कांच के प्याले की तरह संयो कर रखे हूं बहुत खूब बहुत अच्छा धन्यवाद